नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग की एक और सरकारी भर्ती की जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों इस बार जो वैकेंसी यहाँ पे जो रिलीज़ की गई हैं पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। सबसे पहले आप सभी लोग ये जान लें, ये जो पूरा भर्ती विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है आप सभी लोग यहाँ पर रीड कर सकते हैं। लिखा हुआ है गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, कहने वाली बात यह है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भोपाल द्वारा वैकेंसी यहाँ पर रिलीज़ हो चुकी है। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। पूरा भर्ती विज्ञापन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा जा रहा है। मात्र एक छोटा सा इंटरव्यू आप सभी लोग का यहाँ पर लिया जाएगा और इंटरव्यू के आधार पर जो है आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। किस तरीके से आप लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लास्ट डेट यहाँ पे क्या रहने वाली है, पोस्ट वाइज कितनी क्या वैकेंसी यहाँ पे शामिल की गई है, एज क्राइटेरिया आपके लिए यहाँ पे क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन के तौर पे योग्यता आपसे यहाँ पे क्या क्या मांगा जाने वाला है अप्लाई करने के लिए, पर मंथ कितनी सैलरी आपको यहाँ पर दी जाएगी, और दोस्तों अंत में एप्लीकेशन फॉर्म की ओर आपको यहाँ पर ले चलूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी है सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। और देखिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर सेंड करने होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर क्या क्या भेजने हैं ये जानकारी भी आपको यहाँ पर मिलेगी। और अप्लाई करने के लिए जितने भी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं सारी जानकारी इस वीडियो में आप कवर करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना है, दिल से इस वीडियो को यहाँ पर लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। सबसे पहले और सबसे तेज ये जो जानकारी है एकमात्र हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको यहाँ पर मिल गया, लाइक जरूर करें इस वीडियो को। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल वगैरह है आप सभी लोग हमसे आप पूछ सकते हैं। देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी यहाँ पर रिलीज हो रही है हमारे यूट्यूब चैनल सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कवर कर रहा है। कोई भी जानकारी जो आगे आने वाली है सरकारी भर्ती की आपसे यहाँ पर जानकारी ना छूटे, इसके लिए क्या करना होगा, अभी हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें, तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को पे क्लिक कर लें। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहें। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को और बढ़ जाते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन की ओर। तो दोस्तों देखिए ये जो वैकेंसी यहाँ पे जो रिलीज हुई है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया भोपाल मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत यहाँ पे रहेंगी। और देखिए माइक्रोबायोलॉजी विभाग में ये वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है और देखिए प्रोजेक्ट के तहत ये वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। AMR कंटेनमेंट प्रोजेक्ट है, इसके तहत जो है मानव संसाधन का भरा जाना सुनिश्चित किया जा रहा है, इसके लिए जो है आपको यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वैकेंसी टेबल की। तो देखिए वैकेंसी टेबल में पहली जो पोस्ट यहाँ पर जो शामिल की गई है लैब टेक्नीशियन की यहाँ पर रहेंगी, एक पद यहाँ पर शामिल किया है। और दोस्तों देखिए पैथोलॉजी का 2 वर्ष का डिप्लोमा आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है, DMLT का जो कोर्स यहाँ पे रहता है डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का। और देखिए अगर आपके पास यहाँ पे डिग्री है BMLT के तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और बोला जा रहा है मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीयन, कहने वाली बात यह है मध्य प्रदेश पैरा मेडिकल काउंसिल के अंतर्गत आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है। 15,000 रुपये आपको यहाँ पे वेतन दिया जाएगा, पर मंथ बेसिस पर ये सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अगली जो पोस्ट यहाँ पे जो शामिल की गई है डेटा मैनेजर की यहाँ पे रहेगी, एक पद यहाँ पे शामिल किया है। और देखिए 12th क्लास पास होना आपका यहाँ पर जरूरी है। और देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आपके पास यहाँ पे स्नातक डिग्री है या फिर देखिए डिप्लोमा है। और देखिए अगर आपके पास यहाँ पे टाइपिंग का ज्ञान है आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें। और देखिए अगर आपके पास 2 साल का प्राइवेट या फिर देखिए गवर्नमेंट कार्यालय का अगर आपके पास यहाँ पे अनुभव है तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें। 12,000 रुपये आपको यहाँ पर वेतन दिया जाएगा और ये सैलरी जो है आपको यहाँ पर मंथ बेसिस पर मिलने वाली है। अगली जो वैकेंसी है वो देखिए लास्ट यहाँ पर रहेगी, फार्मासिस्ट की पोस्ट यहाँ पर शामिल की गई है, एक पद यहाँ पर रहने वाला है। और देखिए औषधि निर्माण, कहने वाली बात है फार्मेसी में जो है आपका B Pharma हो या फिर देखिए डिप्लोमा हो आप लोग यहाँ पे आवेदन करें। मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का देखिए आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है। 18,000 रुपये आपको जो है पर मंथ बेसिस पे सैलरी मिलने वाली है। तो ये पूरा रिक्त पदों का विवरण मैंने आपको यहाँ पर दिया है। और देखिए भोपाल मेडिकल कॉलेज द्वारा ये वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई है और देखिए प्रोजेक्ट के तहत ये वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखिए इसी PDF फाइल में जो है आप सभी लोग को नीचे की तरफ एप्लीकेशन फॉर्म दिया जा रहा है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग यहाँ पर फिल करें। देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले देखिए आप सभी लोगों को जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो फिल करनी है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो आपको यहाँ पे लिखनी है, कहने वाली बात है जो भी है आप लोग अपने यहाँ पे फोटो दर्ज करेंगे और फोटो के ऊपर आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। आधा सिग्नेचर जो है आपकी फोटो पर होगा और आधा सिग्नेचर आपकी फोटो के बाहर यहाँ पे रहना चाहिए। अब देखिए अगली जो इन्फॉर्मेशन है वो रहेगी आपके विज्ञप्ति क्रमांक। तो देखिए आप सभी लोगों को ऊपर जानकारी मिल जाएगी, आपको एडवर्टीजमेंट नंबर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। और देखिए ये इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे और देखिए दिनांक भी आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। और देखिए आपके पोस्ट का नाम आप लोग यहाँ पे फिल करने वाले हैं, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप लोग यहाँ पे फिल करने वाले हैं। अनरिजर्व है तो अनरिजर्व लिखेंगे, शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल ट्राइब है OBC है, तो उस हिसाब से आप सभी लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। अगली जो जानकारी है वो रहेगी आपकी देखिए जन्मतिथि की, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, कितनी आयु आपके यहाँ पे हो रही है और ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है। देखिए आपको एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है, परमानेंट एड्रेस और देखिए स्थायी निवास, ये आप लोग यहाँ पे फिल करें। दोनों एड्रेस अगर आपके यहाँ पे सेम रहते हैं तो दोनों इन्फॉर्मेशन सेम रखें। और देखिए अलग अलग एड्रेस है तो आप सभी लोग यहाँ पे अलग अलग एड्रेस भी लिख सकते हैं। अगली इन्फॉर्मेशन है वो रहेगी आपकी देखिए कम्युनिकेशन डिटेल। तो देखिए आप लोग को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी केयरफुली तरीके से आप लोग ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दर्ज करें। अगली जो जानकारी है वो रहेगी आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल।
तो दोस्तों देखिए क्वालिफिकेशन की डिटेल में सबसे पहले देखिए 10th क्लास की आपको डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है, कौन से महाविद्यालय से है, कौन से विद्यालय से आप लोग यहाँ पे पास किया है और कौन सा बोर्ड था, CBSE बोर्ड है या फिर MP बोर्ड है, जो भी आपका स्टेट बोर्ड है, और देखिए उत्तीर्ण वर्ष मीन्स पासिंग ईयर आपका यहाँ पे क्या रहा, कितने अंक आप लोगों ने यहाँ पे प्राप्त किए, कितना आपका यहाँ पे परसेंटेज रहा, कौन से आपके यहाँ पे डिवीजन रही, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे दें। और देखिए इस हिसाब से 12th क्लास की इन्फॉर्मेशन है, और देखिए इस हिसाब से जो है आपकी डिग्री है तो देखिए डिग्री की इन्फॉर्मेशन देंगे, और देखिए डिप्लोमा है तो देखिए आप लोग यहाँ पे डिप्लोमा की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और देखिए अन्य यहाँ पे कोई और डिप्लोमा है, PG डिप्लोमा है तो भी आप लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और कोई और यहाँ पे अन्य योग्यता है जो आप लोग यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप सभी लोग यहाँ पे दे सकते हैं। अगली जो इन्फॉर्मेशन है वो रहेगी आपकी देखिए कार्य अनुभव की, अगर आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पे जानकारी दें, तो देखिए कौन सी संस्था का ये एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पे जानकारी लिखें, और देखिए कौन से पोस्ट पे थे, और देखिए कब से कब तक का ये आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो ये जानकारी लिखें, एक से ज़्यादा अनुभव अगर आप लोग यहाँ पे रखते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप सभी लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए उपलब्धियाँ अगर आपके पास यहाँ पे कुछ हैं और यहाँ पे अगर आपके पास कुछ और यहाँ पे क्वालिफिकेशन है कुछ और आपके पास यहाँ पे देखिए उपलब्धियाँ हैं तो बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और देखिए अगर आपके ऊपर यहाँ पे कोई दंड है, आपको यहाँ पे कार्रवाई की गई है, गंभीर अपराध आप लोग ने यहाँ पे किया है, कोई प्रकरण आप लोग के ऊपर यहाँ पे दर्ज है, कानूनी प्रक्रिया आप लोग के यहाँ पे हुई है तो देखिए इसके लिए जो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है, और अन्यथा आप सभी लोग यहाँ पे इस कॉलम को यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं। अंत में जो है आप सभी लोग को डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे साइन करना है, 15वें नंबर का ये जो पॉइंट है आप सभी लोग अपने यहाँ पे दिनांक लिखेंगे, और देखिए आपको ये पढ़ लेना है, आपके द्वारा जितनी भी जानकारी दी जा रही है बिल्कुल सही है, और जो भी दिक्कत आती है आप इसके यहाँ पे स्वयं यहाँ पे जिम्मेदार रहेंगे, आपके ऊपर यहाँ पे कार्यवाही की जाएगी, इसके बारे में उल्लेख आपको यहाँ पे किया जा रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे रीड कर लें, और अंत में जो है आप लोग अपने सिग्नेचर करें, हस्ताक्षर करें। और दोस्तों देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म को जो है आप सभी लोग को डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको यहाँ पे भेज देना है, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखिए इन्फॉर्मेशन तो आपको यहाँ पे नहीं दी जा रही है, देखिए दोस्तों अलग से आप लोगों को डॉक्यूमेंट की लिस्ट नहीं दी गई है, लेकिन आप लोगों की हेल्प के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर जरूरी डॉक्यूमेंट्स आप सभी लोग यहाँ पे भेज सकते हैं, फोटोकॉपी का जो भी यहाँ पे सेट रहेगा, तो देखिए 10th क्लास की मार्कशीट की जो भी आपकी फोटोकॉपी है आप सभी लोग यहाँ पे दें, और देखिए 12th क्लास की मार्कशीट की फोटोकॉपी है ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोग यहाँ पे देंगे। इसी के साथ साथ देखिए जितनी भी सेमेस्टर्स की आप लोगों के यहाँ पे मार्कशीट है सभी सत्र के आप सभी लोग यहाँ पे मार्कशीट आप सभी लोग यहाँ पे फोटोकॉपी का सेट प्रोवाइड कराएं, और देखिए रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन भी आप सभी लोग यहाँ पे देंगे, जो भी आपके पोस्ट से जुड़ा हुआ जो भी आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, अगर देखिए शेड्यूल ट्राइब OBC EWS वाले कैंडिडेट है तो देखिए इसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना होगा, और कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, मध्य प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे देना होगा, निवास प्रमाण पत्र जो आपका यहाँ पे रहता है, देखिए आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे जो भी है आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर कार्ड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके पास आप सभी लोग यहाँ पे दे सकते हैं, आधार की दे सकते हैं पैन कार्ड की दे सकते हैं या फिर देखिए वोटर कार्ड की, तीनों में से कोई भी एक इन्फॉर्मेशन आप सभी लोग यहाँ पे फोटोकॉपी का सेट प्रोवाइड कराएं। एक्सपीरियंस की जानकारी अगर आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे तो देखिए एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे पेश करना होगा, और देखिए जो भी आपके यहाँ पे डिग्री है और यहाँ पे जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं आप सभी लोग को इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप सभी लोग यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ यहाँ पे भेज सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कहाँ पे भेजना होगा, ये आपको यहाँ पे कहाँ पे सेंड करना है ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट, तो देखिए इसके लिए आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, लिखा हुआ है आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेजों की छायाप्रति कार्यालय अधिष्ठा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में जमा किए जाएंगे। तो देखिए आप लोगों को जो है यहाँ पे बाई हैंड आप सभी लोगों को यहाँ पे सबमिट करना होगा, और देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपका यहाँ पे आवेदन पत्र है वो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, और डॉक्यूमेंट जितने भी मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी जो है आप सभी लोगों को कार्यालय अधिष्ठा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के कार्यालय में आपको यहाँ पर जमा करनी है, और देखिए लास्ट डेट आप सभी लोग यहाँ पर देख लें, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है 22 सितंबर 2020 यहाँ पर रहेगी, शाम के 5 बजे तक का समय आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, बहुत ही कम समय आपको यहाँ पर मिल रहा है, जल्द से जल्द आप सभी लोग यहाँ पर आवेदन करें। दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दस्तावेजों की स्क्रूटनी के बाद योग्य अभ्यर्थियों की सूची गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, और इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा, और देखिए जो भी आपकी ज्वाइनिंग है जो भी आपके यहाँ पर नियुक्ति है देखिए 31 मार्च 2021 तक यहाँ पर रहेगी, इस डेट तक जो है आप सभी लोग यहाँ पे कार्य कर पाएंगे, और देखिए टेम्परेरी बेसिस पे जो है आपको ये ज्वाइनिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे कवर की है, उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको यहाँ पे इस वीडियो से मिली है तो इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दें, दिल से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है कोई भी सवाल वगैरह है आप सभी लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। दोस्तों देखिए बताना चाहता हूँ ये दूसरा सरकारी भर्ती का विज्ञापन यहाँ पे जारी हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भोपाल द्वारा, और देखिए इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा चुका हूँ, और पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी यहाँ पर रिलीज हुई है,
स्टाफ नर्सेस के लिए, मेडिकल ऑफिसर के लिए और भी वैकेंसीज हैं, तो वो वीडियो भी आप सभी लोग यहाँ पे देख लें। तो देखिए उस वीडियो को में जाने के लिए आप सभी लोगों को क्या करना होगा, इसी वीडियो के नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग यहाँ पे लिंक ले लें और उस वीडियो को यहाँ पे जरूर वॉच करें। आप सभी लोग को यहाँ पे आवेदन जरूर करना है। और देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भोपाल द्वारा ये वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई है। हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी जो मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आ रही है, हमारा यूट्यूब चैनल सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कवर कर रहा है। कोई भी जानकारी जो आगे आने वाली है सरकारी भर्ती की, अब आप यहाँ पर जानकारी ना छूटें। इसके लिए क्या करना होगा, अभी हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पर क्लिक कर लें। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।